लता जी के बारे में तो कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। तो ये हमारा मेरा एक प्रयत्न है कि हम सब जो पूरे म्यूज़िक के ख़ानदान के लोग हैं, यानी कि गायक, संगीतकार, गीतकार, म्यूजिशंस, हम सब मिल रहे हैं एक साथ आज इसमें, यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में। और हम सिर्फ एक फैमिली की तरह मिल रहे हैं कि फैमिली की तरह जैसे होता है, याद करते हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, वही हम आज करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि उनके गीत को याद करेंगे, उनके साथ बिताए हुए वक्त को याद करेंगे, और सारे जितने भी हमारे इस ख़ानदान के मेंबर हैं वो सब आ रहे हैं। मेरी मुझे बड़ी खुशी है कि वो सब यहाँ हैं, ये नहीं कि मशरूफियत में वो यहाँ ना आए, तो सभी आएंगे, ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है। सभी ने सिंगर राइट्स के लिए फाइट किया था, इसामरा वहां से स्टार्ट हुआ आप सबकी कोशिश से। हाउ इज इसामरा कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स लता जी सेकंड एनिवर्सरी सर, एंड एवरीबॉडी इज कमिंग टुगेदर, मकसद बताइए। देखिए, जो इसामरा है, इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस राइट्स एसोसिएशन, हमने शुरू करी थी एज इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन, सिर्फ सिंगर्स के लिए। फिर हमने पिछले साल म्यूजिशियंस को भी जोड़ा, फिर अब ये है कि सिंगर्स और म्यूजिशियंस दोनों को रॉयल्टी मिलेगी, और इसीलिए इसामरा हो गया। मगर इसामरा का मतलब ये नहीं है कि केवल सिंगर्स और म्यूजिशियंस को ही हम मद्देनज़र रखें। हमारा पूरा जो म्यूज़िकल ख़ानदान है, मतलब कंपोजर्स और सॉन्ग राइटर्स और म्यूज़िक कंपनीज, सब हम साथ में हैं। और वो मुझे खुशी है कि आज इस मौके पर, जब दीदी हमसे 2 साल हुए हमसे चली गई हमारे बीच से, तो आज हम सब एकत्रित होके, इकट्ठा होके, गैदर होके, हम सब आज उनको याद करेंगे उनके गीतों के माध्यम से, उनके साथ बिताए हुए वक्त के माध्यम से। और ये खुशी है कि इसामरा ने ये चीज़ का आयोजन किया है। सर, दो लाइन आपसे हम लोग गाना सुनना चाहेंगे लता जी का, वो वो अंदर के लिए छोड़ दें। सर, दो लाइन है सर। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारा जो हमारे सिंगर्स की एसोसिएशन है, उसने लता जी की याद में, आज पूरे 1 साल हो गया लता जी से हमें बिछड़े हुए, तो उसकी याद में, उनकी याद में इसामरा, और जिसके कर्ता धर्ता संजय टंडन हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया था। ये एक अजीब तरह का प्रोग्राम था, मैंने ऐसा प्रोग्राम ही नहीं देखा। ये ऐसा लग रहा था कि कोई इवेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि बहुत सारे लता जी के चाहने वाले एक जगह जमा हो गए और वो उन्हें याद कर रहे हैं। तो इतना इनफॉर्मल सा था, लोग एक साथ गा रहे हैं, स्टेज पे आके गा रहे हैं, नीचे खड़े होकर गा रहे हैं, बैठ के गा रहे हैं, वहाँ माइक ले लिया है, और बहुत खूबसूरत शाम थी। और जाहिर है कि अगर लता जी को याद करके शाम गुजारी जाए तो खूबसूरत ही होगा। कोई मेमोरीज आपके, मैं एक तस्वीर देख रहा था जो आपकी, हाँ, लता मेरी जी बहुत मेमोरीज काफी हैं, मेरे बहुत गाने भी उन्होंने गाए हैं, मेरी खुशकिस्मती है। और मैं यही बता रहा था, या जो नए सिंगर, नई लड़कियाँ बैठी हुई हैं उनसे, कि लता जी से एक बात सीखो कि वो माने गाने के माने कितने समझ के गाती थी, इन वर्ड्स का, इन शब्दों का। देखो, सुर सही हो, ताल सही है, आपकी आवाज़ अच्छी है, इतना काफ़ी नहीं है। आपने उस गाने को अपने दिल में उतार लिया है कि नहीं, लता जी महसूस करके गाती थी। उनके तो गाना, अगर कोई आदमी लैंग्वेज ना भी समझता हो ना, फिर भी उसे माने समझ में आ जाए गाने के, सिर्फ आवाज़। बहुत यार तो आती है, लेकिन सब लोग इतने चाहते हैं, हर वक्त जिनको होता है ना, जब दिल को छूता है तब कोई याद आता है, हर वक्त उनमें से ये है। सर, आपके इतने फॉन्ड मेमोरीज हैं लता जी के साथ, कोई मेमोरी हमसे शेयर करेंगे? कौन सी मेमोरी चाहिए आपको लता जी के साथ, के कोई भी यादें? हाँ, लुक का है, यादें वो यादें। हाँ बात सर। हेलो हाँ सर, बोलिए क्या मेमोरीज है? मेमोरीज तो बहुत सारी है, बहुत सारे साथ में काम किया, 3-4 साल साथ में काम करते हुए, बचपन पास पास में रहते थे, इसलिए ज़्यादा कोई अक्सर वो नहीं था, वो भी स्ट्रगलर थी, हम लोग स्ट्रगल, तो उस वक्त काम करते करते चल रहा था, धीरे धीरे करते गए, लेकिन निखरते गए। जो उनको पहले के गाने सुनो, उसके बाद अभी के गाने सुनो, बहुत फर्क लगता है आपको, रिफाइनिंग होते गया,
लैंग्वेज अच्छी होती गई, हर बात अच्छे काम होता गया, लेकिन जितने भी बढ़ते गए, जितना नाम होता गया इतने सब होते गए। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं कुछ और हूँ, वो हर वक्त ये आए नहीं रिकॉर्डिंग में तो आते ही पहले बच्चे की तरह बात करती हैं और बाद में एंड तक जाते ये बोल के पूछे जाते सब ठीक तो है, नहीं है तो फिर क्या कर ले जाऊँगी मैं, ये नहीं कि उसको रिपेयर कर लेना, वो पार्ट वार्ट से ले लेना, ऐसा नहीं था उन दिनों में। तो जो रिकॉर्डिंग होती थी वही होती थी, उसके बाद रिटेक करना पड़ता था अगर एक छोटी सी भूल हो तो, ये सब कुछ था साथ में। वो दौर ही अलग था, उस दौर में काम करने का तरीका कोई था, लेकिन इतना नाम होने के बाद इस एज के साथ आदमी कभी थकता भी है, फिर बोलता है कि भाई बहुत हो गया अभी चला लो, नहीं ऐसा नहीं होता था। मुझे याद है कि एक गाना हमारा होता था जिसको नेशनल अवार्ड भी इनको मिला, कोरा का गाना था जिसमें बहुत अर्जेंट काम था कि गाना रूठे रूठे दिया बनाओ कैसे, ये गाना था तो डायरेक्टर आके बेचारा रिक्वेस्ट करने लगा कि दादा अगर ये गाना गाए जाएंगी तो हम लोग बोले किसी से गवा लेते, बाद में बोले नहीं सिंक नहीं होने पाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन का गाना है पूरा, तो अगर तो रिक्वेस्ट करें तो इनको बोला कि बता यही गाना टेक करके चले जाइए बाद में देख लेंगे, बोले बुखार है, बोलो इतना सिंपल गाना कुछ है नहीं, तो आई आई देखो बोले इसको सिंपल बोलते हो तुम, हंसने लगी तो बोला बोलना पड़ता है वो गाना गाए रूठे रूठे वो पिया मनाऊँ कैसे, अगर तो वाकई ये हुआ कि उनको नेशनल अवार्ड इस गाने के लिए मिला और जो गाना एक बार ही गाया था उन्होंने, तो ऐसा होता है जो काम कर सकता है उसके लिए हर काम आसान भी है लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मैं सही करूँ इसके लिए वो करते रहते। सबसे ज़्यादा गाने उन्होंने 16 हमारे गाने गाए और हम कोशिश ये करते थे कि उनकी रेंज के अंदर गाना हो जाए ताकि उनको कोई स्ट्रेस करके हमको गवान नहीं पड़े, ये हमारी खासियत रहती थी। तो कई बार उनको लगता था कि कुछ डिफिकल्ट नहीं हो रहा, सिंपल जो होता है वो गाया जा रहा है, लेकिन हम वो ही चाहते थे कि जो उनका टोन है उसी में सब कुछ हो, और होता था बड़ा मज़ा आता था बैठ के साथ में गप मारना ये करना। उन दोनों तो रिकॉर्डिंग भी ऐसी होती थी, आज रिहर्सल करो कल रिहर्सल करो परसों, फिर जाके रिहर्सल के बाद कहीं राइटर आके बोलेगा कि इसका इत्तेफाक ये ऐसे कर रहा है मुझे ये कर रहा है, और इसी तरह रिकॉर्डिंग होती थी। रिकॉर्डिंग में भी कहीं गलती होगी तो फिर से दोबारा गाना करना पड़ता था, ये सब कुछ होता था, तो अलग ही माहौल था, एक घरेलू एटमोसफियर रहता था, सब साथ में बैठ के काम करते थे, मज़ा आता। थैंक यू। देखिए ऐसा हर किसी को अपना हक मिले तो खुशी की बात है ना, इसमें उसका भी भला है लोगों का भी भला है, लेकिन ये हक मिल रहा है, ये हक दिलाने वालों का इम्पोर्टेंस बहुत है, जो जिसने ये इम्पोर्टेंस दी इस बात की वह में आपको अहमियत दी कि भाई ये होना चाहिए और ये हो रहा है अभी, ये खुशी की बात है, लेकिन जिन्होंने इस पर फाउंडेशन डाला उनको भूलना नहीं चाहिए, लोगों ने मैं ये चाहूँगा। थैंक यू सर। ललित जी आज कैसे लग रहे हैं लता जी के पुण्यतिथि पर उपस्थित होकर? देखिए कोई भी दिन हो, पुण्यतिथि हो या दीदी का जन्मदिन हो, वो हर दिन दिल में रहती हैं, हर बार उनकी जो आवाज़ है सारे कलाकारों को याद है और सबके कानों में गूंजती है, वो यही है, वो कहीं कहीं नहीं है, वो हमेशा वो अमर है, वो हमेशा रहेंगे साथ में, और जिंदगी का हर जो दिन हो वो एक सेलिब्रेशन है दीदी को याद करके। कुछ फॉन्ड मेमोरीज आप बता सकते हैं दीदी के साथ? बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज हैं, और जो लास्ट डेकेड दीदी के साथ जो गुजरा है उसमें सबसे ज़्यादा गाने उन्होंने जतिन ललित के गाए हैं, और ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है जब आपका काम अच्छा होने लग जाता है किसी के साथ, तो आर्टिस्ट को भी पता होता है, एंड स्टैचर ऑफ लता मंगेशकर उनका वो बहुत हम सब जानते हैं, वो एक गाना भी बड़ी मुश्किल से मांगती थी और गाती नहीं थी क्योंकि वो श्योर नहीं होती थी कि गाने का जो एक जो स्तर है जो कैलिबर है वो अच्छा होगा, मगर जब उनको एक बार ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है कि नहीं ये अच्छा करेंगे, मेरे पास आए हैं तो कुछ सोच समझ के आए होंगे, तो और वो फिर उसका उनको एक सिला मिल जाए, दिलवाले दुल्हनिया का म्यूजिक बेहद चला है, तो वो हमेशा उस
एक इनकरेज हो जाता है ऐसे कलाकार के, नहीं बहुत अच्छा काम हुआ इनके साथ और फिर वैसा करेंगे, काम करने की एक लत लगती है आर्टिस्ट को। और दीदी को भी बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल करियर रहा, ऐसा हो नहीं सकता मुझे लगता है। और आई थिंक इट्स जस्ट मतलब बहुत अच्छा नसीब है हमारा कि दीदी के साथ सबसे ज़्यादा लास्ट टिकेट में काम हमने किया है, हमारे गाने गाए हैं, जितने गाने गाए हैं जतिन ललित के सब सुपर डुपर हिट रहे हैं। और मुझे लगता है लता मंगेशकर को अगर आप एक बार गवा लो तो उनकी 1 बिलियन तो फॉलोइंग है, सुनने वाले उनके चाहने वाले इतने हैं, आपका गाना ऐसे ही हिट है। लाइन अब मैं क्या गाऊँ, तो दीदी की आवाज़ भी सुनिए उनका। I loved, I mean the entire music that we have done for Jab Pyar Kisi Se Hota is one of Lata Ji's favorite score. Jab milti thi to yaad karti thi ki us picture ka gana bahut acha hua tha hamara. Dilwale Dulhania immortal music hai, picture world record bana chuki hai, ab tak Didi ki awaaz theater mein bajti hai. Kabhi Khushi Kabhi Gham, humne bahut achhi achhi picture ki Didi ke saath. Sir, do line gunane sir, jo bhi gana aapka dil ka. न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था भी हो गया। आज कैसे लग रहा सर? उदास हो। कोहिनूर हीरा जो है ना वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोहिनूर हीरा का जो वो कलर होता है ना, वो ऐसा कलर कि जब तक ये धरती चांद सितारे रहेंगे तब तक उनकी जो आवाज है, उन्होंने जो इतिहास बनाया है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, आदरणीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी, तब तक रहेंगे जब तक ये धरती, ये आकाश, ये चांद, ये सितारे सब रहेंगे, तब तक वो हमारे साथ हैं। अपने गाने के जरिए, आवाज के जरिए, और मैं खुशनसीब हूँ, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इस जनरेशन में लता जी के साथ सबसे ज्यादा गाना गाने का मौका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौका मिला। और वो बहुत प्यार करती थी मुझे, बोलती थी कि तुम्हारा ओरिजिनल आवाज है। अब साक्षात सरस्वती कहे कि तुम्हारी आवाज मुझे पसंद है, तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा। तो मैं धन्य हो गया हूँ उनके आशीर्वाद पाके, और उनके साथ कम से कम 200-250 फिल्मों में मुझे गाने का मौका मिला। बस वो जहां भी रहे वो तो सीधा स्वर्ग में ही होंगे, अभी भगवान ईश्वर अल्लाह को वो सुना रहे हैं अपनी आवाज, और वहां रह के भी हम लोगों को वो आशीर्वाद दे रहे हैं। दो लाइनें गा सकते हैं सब, उसके बिना तो अधूरा रह जाएगा। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। कैसे लग रहा है आज लता जी की पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित? दो साल पहले सरस्वती पूजा के दिन ही हम हमारे माँ सरस्वती जो साक्षात हम लता जी को मानते हैं हुआ था, लेकिन हम सब यही मानते हैं कि कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी, हमारे बाद भी ये आवाजें हमेशा रहेंगी। और इन सारी आवाजों में सबसे स्वर्ण अक्षरों में अगर कोई आवाज है तो लता जी की है। एंड शी इज द प्राइड ऑफ आवर नेशन, एंड शी इज द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। अगर भारत की आवाज हो तो लता जी की। जी बिल्कुल, सिंगर्स के राइट्स के लिए लता जी ने सबसे पहले अभियान उन्होंने ही
सबसे पहला कदम उन्होंने ही उठाया था और बहुत साल पहले की बात होगी, लेकिन अब जाकर फाइनली इसरा से इसामरा बनकर अब हम सिंगर्स म्यूजिशियंस सारे संगीत से जुड़े लोग एक साथ जुड़े हैं और यू नो दिस इज आई एम श्योर लता जी वुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस मोमेंट दिस ईयर एंड सब कुछ ही उनके ही आशीर्वाद के वजह से ही हो पाया है, उन्होंने वो पहला कदम रखा था तो आज जाकर हम यहाँ तक पहुँच पाए। वैसे मेरे पिताजी लता जी के बहुत करीब थे, मेरे पिताजी मेरे माता जी भी लता जी को काफ़ी दिन उनके घर पे बंगाली सिखाने जाती थी और पिताजी के लिए लता जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं उनके स्टूडियो में, एलएम स्टूडियो में मेरे पिताजी का सारे बड़े बड़े दिग्गज कंपोजर्स के साथ मेरे पिताजी की मानस मुखर्जी जी उनका भी तस्वीर। तो बचपन में हम कई बार डैडी के साथ प्रभुगंज लता जी से मिलने गए थे और जब भी मिलती थी मुझे कोई ना कोई कोई किस्सा बताती थी, हम तो बहुत छोटे थे लेकिन पिताजी के साथ कोई घटना कोई घटी होगी तो बताती थी पता है ऐसा हुआ था। और मानस ने एक मुझे स्टोरी बताई थी कि पिताजी कहीं शो करने गए थे और वो आकर लता जी को बताने लगे कि मैं गा रहा हूँ अजीब सी आवाज़ आ रही है कर 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 कर, मैं क्या नीचे देखे कोई स्टेज काट रहे थे कोई मस्ती चल रही थी, तो ऐसी ऐसी बातें भी बोले देखो ऐसे ऐसे भी दिन गुजारे हैं तुम्हारे पिताजी ने जो मुझे उन्होंने बताया। तो ऑफकोर्स बचपन से ही उनका बहुत साथ और वक्त मिला। मैंने एक गाना उनके साथ भी गाया था महेश पाई जी के म्यूज़िक में लेकिन वो फिल्म किसी कारणवश रिलीज़ नहीं हो पाई और वो गाना बस अनरिलीज रह गया है, लेकिन आई डेफिनेटली वांट मयूरेश जी टू शेयर दैट सॉन्ग एट सम पॉइंट बिकॉज़ दैट वाज अपेरेंटली हर लास्ट डब्ड सॉन्ग। बहुत सारे तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, ओ, 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 ओ तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। About what? About the occasion. Well, it's a very big occasion for us. जैसा कि आपको पता है कि लता दीदी हमारी सबकी देवी माँ है, हम सबकी इंस्पिरेशन है, हम सबका इंस्टीट्यूशन है जिससे हम लोग सीखे हैं, जिन्हें सुन सुन के सीखे हैं हम लोग, और हम सब बहुत ही प्यार करते हैं दीदी से। मैं करते थे नहीं बोलूँगी, करते हैं बोलूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से दीदी अभी भी हैं, कहीं गई नहीं वो। तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है 6 फरवरी, तो हम लोग बस इकट्ठा हुए हैं साथ, थोड़ा उनकी याद में कुछ बातें करें, कुछ गाने सुनें, कुछ समय बिताएं, तो इसलिए हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोई यादें, कोई ऐसी मेमोरी? बहुत सी यादें हैं लता दीदी की, तो अनगिनत यादें हैं, एक कोई याद में नहीं बोल सकती, बिकॉज मैं अगर बोलना शुरू करूँगी तो सारी रात निकल जाएगी। बहुत सी बातें हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें एक आज बतौर एक कलाकार, तो सारी दुनिया उनको उनकी उनको जानती है, बट मेरी खुशनसीबी रही है कि मैं उन्हें ऑन अ पर्सनल लेवल भी अच्छे से जानती थी, हमारी मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, और उनकी शख्सियत से मैं बहुत प्रभावित थी। उनके गाने से तो सारी दुनिया ही प्रभावित है, मैं भी हूँ, पर उनकी शख्सियत से भी मैं बहुत प्रभावित थी। बहुत इधर उधर की बातें होती थी, मुझे पूछती थी कि क्या चल रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, अभी कौन अच्छा गा रहा है, अभी कौन अच्छा नहीं गा रहा है, और क्या ये लोग रीमिक्सेस कर रहे हैं, क्या गानों का सत्यानाश कर रहे हैं, सब बोलती थी उनको, और साथ में हंसती भी जाती थी। तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया था और बहुत उनको शौक था बातें करने का। जी दो लाइनें दीदी एक ऐसा गाना गा गई है जो मैं मुझे लगता है हर वक्त मेरे लिए वो बजता रहता है, सभी सिंगर्स को लगता होगा, बट मुझे भी लगता है कि मेरे इर्द गिर्द वो गाना घूमता रहता है उनका। वो ये है तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, मुझे लगता है वो हमेशा वो साथ हैं,
उनका आशीर्वाद साथ है, उनका प्यार साथ है। कैसे लग रहा है सर आज? आज स्वर सरस्वती लता भाई मंगेशकर हमारी माँ, सभी संगीत जगत के लोगों की माँ लता जी मंगेशकर, उनका दूसरा आज पुण्य स्मरण दिन है। वैसे अभी भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि रोज उठते ही उनकी आवाज कान पे पड़ती है, तो उनका जाना तो बिल्कुल विश्वास के परे है। और हम लोग तो उनके भक्त हैं, बड़ा भाग्यशाली हूँ उनके साथ काम करने का, उनके साथ प्रोग्राम के लिए बाहर जाने का अवसर जो मिला है, और वो जो मेरी यादें हैं वो मरते दम तक मेरे दिमाग में, दिलों में हमेशा जागती रहेंगी। और मैं उनके आज के इस दिवस पर मैं उनके चरणों में मेरा साष्टांग नमस्कार करता हूँ। और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उनकी आवाज़ हमारे कानों में हमेशा रस घोलती रहेगी और हमको जिलाती रहेगी। धन्यवाद। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। थैंक यू। मधुश्री जी आज कैसे लग रहे हैं लता जी के पुण्यतिथि पर? क्या कहूँ, बहुत मिस कर रही हूँ लता जी को। लता जी हमारे लिए, हम सब सिंगर्स के लिए, हम हर म्यूजिशियन के लिए सरस्वती है। शी वॉज ए इंस्टीट्यूशन, एक जिनको सुन सुन के हम बहुत कुछ सीखे, आज भी सीख रहे हैं। लता जी जैसे कोई अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं है, ऐसी आवाज़, डिफाइंड वॉइस, ऐसे गायकी, तैयारी, ऐसे फीलिंग्स के साथ गाना। हर गाना गाने से पहले हम लता जी को याद कर लेते हैं। किसी ने मुझे कहा था, एक काम करो, सुबह जाग के लता जी का एक कोई भी गाना सुनो और उसको सीखो, कोशिश करो गाने की, तो तुम्हें और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सही कहा था उन्होंने, लता जी से अल्टीमेट। दो लाइनें गा सकते हैं आप? कोविड में तो इतने गाने गाए हैं लता जी के लिए। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत, हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम सब मिलके ये मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा याद करते रहते हैं। थैंक्स टू इशरा, थैंक्स टू संजय जी, ऑल ऑफ अस। और आज कैसे लग रहा है सर लता जी के पुण्यतिथि में? मैं तो मानता ही नहीं हूँ लता जी है नहीं। लता जी है, अभी भी है, अक्सर हम प्रोग्राम सुन के करते रहते हैं लता जी के। सो लाइक शी इज देयर। पुण्य दीदी तो ठीक है, नाम एक आता है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, टूर्स किए, वर्ल्ड टूर्स किए हुए हैं, और काफ़ी सारी यादें हैं उनके साथ। सो हाँ, लता जी के साथ एक काफ़ी डुएट्स भी होते थे मेरे, तो एक याद मेरी बहुत ही ज़बरदस्त याद है, वो गाने के साथ ही बताऊंगा। सावन का महीना जो गाना है, सुपर डुपर हिट गाना, तो उनके साथ वो मेरा गाना होता था हमेशा,
और उनके साथ पहला ही मेरा प्रोग्राम था साउथ अफ्रीका में डरबन में, और उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया भाई अब सामने साथ में श्रीकांत जी आ रहे हैं डुएट गाने के लिए। सो मैंने आके पैर वेर पड़ दिया, थोड़ा सा माहौल बनाया एंड गाना हम लोगों ने शुरू किया सावन का महीना। अच्छा उन्हें भी मालूम नहीं था लता दीदी को कि मैं क्या करने वाला हूँ, शुरुआत में जो टॉकेटिव है ना, अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर शोर, तो उसके बाद लता जी क्या क्या आता है हाँ, वो क्लियर बोलते शोर करके, तो ओरिजिनल क्या है हाँ, तो मैंने कह दिया दैट्स राइट। वो एकदम चौंक है कि ये ना तो मुकेश जी ने ऐसा कुछ किया था ना नितिन जी ने भी किया था, पर एक स्टेज का एक्सपीरियंस जो होता है वो हमें काम आ गया उस वक्त। और लता जी लिटरली एक मिनट तो समझो ना हंस हंस के, मतलब हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है और लोग भी एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, तो ये बहुत बड़ी याद है मेरे लिए। खास उन्होंने कहा कि शुक्रा यू मेड माई डे, आज का दिन तो आप मतलब समझो आपका ही है, खुद दीदी ने कहा तो शत शत नमन उनको आज के दिन के लिए। राम गजब ढाई ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया, राम गजब ढाई ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया, पुरवैया के आगे चले ना कोई चूर, जियरा रे झुमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो नमस्कार आप सब लोगों को, और मुझे खुशी है कि उनके जाने के बाद मुझे एक बात हमेशा जहन में तंग कर रही थी कि उनके जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ होना चाहिए था बड़ा उनको उनकी याद में, तो एटलीस्ट चलो इसामरा के उससे यू नो ये हुआ आज कार्यक्रम जो हो रहा है उनकी याद में, ये उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो चली गई हैं, वो हर वक्त हम लोगों के आसपास हैं, उनका रस जो है जो गाया हुआ हमारे कानों में हमेशा गूंजता रहता है, पूरी दुनिया में गूंज रहा है, इमॉर्टल हैं और रहेंगी हमेशा ही। आज अच्छा लग रहा है कि सब हम लोग मिलकर उन्हें याद करेंगे, मतलब बैठ के इस तरह से, और उनके गाने गुनगुनाएंगे गाएंगे जिस तरह भी कोशिश करेंगे सब, तो बस वो जहाँ भी हैं ईश्वर, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि वो ईश्वर के दरबार में कहीं बैठ के गा रही होंगी उनके लिए, क्योंकि ईश्वर ने बहुत स्पेशल बनाया था उन्हें, तो प्रभु उन्हें सुन रहे होंगे और उनके दरबार में वो गा रही होंगी। तो माँ आपको प्रणाम, और आप जहाँ हैं खुश रहें हमेशा और अपने सुरों से सबको सरशार करती रहें, यही मेरी मनोकामना है। और जी मैंने एक दो प्रोग्राम किए थे उनके, जो उन्हीं के प्रोग्राम थे उसमें, तो फिर बाद में एक मुलाकात हुई हमारी, बैठे बहुत खुश हुई और मुझे कहने लगे कि तुम बहुत अच्छा गा रही हो, मैं सुन रही हूँ तुम्हारे सभी गाने। और उनकी मेरे पिताजी और मेरी माताजी के साथ बड़ी अच्छी एक इंट्रैक्शन थी HMV के सज्जन से, उन्होंने एक रिकॉर्ड करना था गुरबानी का, तो उसके लिए वो स्पेशली दिल्ली आई थी, और चूँकि दिल्ली में जो स्टूडियो था उसमें AC नहीं था और बहुत गर्मी होती थी, तो उन्होंने कहा कि हम बॉम्बे में रिकॉर्ड करेंगे, कारणवश वो हो नहीं पाया काम, लेकिन उन्हें सब याद था उनसे जब मेरी बात हुई। आज भी उनकी फ़ोटो जो हैं जब वो आई थी हमारी गाड़ी में उनको लेकर आए थे एयरपोर्ट से किस तरह, तो सब हमारे पास वो है पिताजी की यादें।
उनके साथ जो हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ हैं आप बस वहाँ अपने सुरों से सबको खुश करती रहें और हम लोगों पे सब पे अपना आशीर्वाद सदैव रखें। आप दो लाइन गुनगुनाएंगे। चिट्ठिए नी दर्द फिराक वादी ले जा ले जा सनेरा सोने यार दा ओ ले जा सने सा सोने यार दा ओ तेनू बस ताए दिल ही पुकारना चिट्ठिए दर्द फिराक वाली ले जा सनेरा सोने यार दा ओ ले जा संदेसा सोने यार। और तो यकीन नहीं आता दीदी नहीं है, की आवाज कितनी जिंदा है और रहती दुनिया तक वो हमारे साथ हैं इन गीतों के जरिए। उनके वो हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के प्राउड रहे हैं। मेमोरीज में ये है कि लास्ट आजीवन में जो सुरेश जी का स्टूडियो है वहाँ पर मुलाकात हुई थी, तो वो वड़ा खा रही थी, वड़ा बैठ के मैंने पूछा कि दीदी मैं तो रहे शब्द आइए वड़ा खाते हुए ना मुझे नहीं वड़ा खाइए मुझे ताजुब तो क्या दीदी आप वड़ा खाते हैं मैं सब कुछ खा लेती हूँ चाय मैं सब कुछ खा लेती हूँ तो लीजिए वड़ा खाइए मेरे लिए प्लेट मंगाई मुझे वड़ा दिया और कहा कि शब्बीर आपके हमारे मेरे और आपके ड्यूएट गाने लोग बहुत पसंद करते हैं तो मैंने कहा दीदी आपके साथ गाने हुए ड्यूएट गानों में मेरी आवाज़ पे आपकी आवाज़ की रोशनी गई और मैं रोशन हो गया। तो ऐसे बहुत सी यादें हैं वो मुझे अमेरिका कैनेडा लेकर गईं फिर लंदन लेकर गईं फिर गल्फ कंट्री और यहाँ भी काफ़ी साथ में रहे हम बहुत सी सुनहरी यादें हैं उनके साथ। जी सर कोई दो लाइन गुनगुना सकते हैं उनका पंचमदा ने मुझे पहली बार दीदी के साथ गाने का मौका दिया बहुत बड़ा तोहफा मेरी जिंदगी का पंचमदा ने मुझे दिया पहला जो ड्यूएट गाया था वो सुर कर रहा नहीं वो गाने कान में सुर आते हैं इसलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ वे कान वही है मेरे। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे तुझे याद करेंगे जब हम जवान होंगे। लता जी की सेकंड डेथ एनिवर्सरी पे उनको दिल से नमन और बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ कि आज उनके इस प्रोग्राम में मैं कुछ गाने प्रस्तुत कर रही हूँ उनके और गानों की सिलेक्शन में थोड़े मराठी थोड़े हिंदी पुराने गाने मैं गाने वाली हूँ। एक वो भी बाइट देना है ना मैं हेलो स्नेहा ऐसा है नमस्ते मैं स्नेहा पंत आज लता जी के प्रोग्राम में गाने सॉरी आज लता जी के प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही हूँ। मैम आप एक दो लाइन बोलेंगे आप क्या लाएंगे सुनो सजना पपी है सुनो से
संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के सुनो सजना सुनो सजना थैंक यू थैंक यू। तो हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम लता यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द लता यूनिवर्सिटी। कुछ स्टूडेंट्स बैचलर्स करते हैं, कुछ मास्टर्स करते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने तो पीएचडी की है लता जी के गायकी में, कैसे शब्दों में जज्बात भरना, हाउ टू सिंग, बहुत ज़बरदस्त तैयार गला होने के बावजूद भी रिस्ट्रेन से कैसे गाना जब कोई और ही मुलायम में भायंता लाना, और तेरे लिए रोबिया तेरे लिए हंसू, एक ही सेंटेंस में रोना और हंसना दिखाना, ये जो म्यूजिक लिरिसिस्ट का जो फैब्रिक होता है, गीतकार का मतलब जो गीत जो शब्द होते हैं उनमें म्यूजिक डायरेक्टर एक आकृति बनाते हैं, स्केच बनाते हैं धुन की, और उनमें जज्बात के रंग भरना गायक गायिका का काम होता है। और इसमें एक्सेलेंस परफेक्शन 24-कैरेट गोल्ड VVS डायमंड इन सब की परिभाषा एक ही है, लता मंगेशकर। और हम वी बाउ टू हर, वी लर्न फ्रॉम हर, एंड वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द लता यूनिवर्सिटी। हाँ, मिली हूँ उनसे शनमुखानंद के प्रोग्राम्स में, जब मैंने मराठी सारेगामा में पार्टिसिपेट किया था तब भी वो थी, एक शादी में भी मिली थी। और मैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के से सीखी हूँ, तो मेरा उनके घर भी आना जाना होता था, गणेशोत्सव में आना जाना होता था। और व्यक्तिगत स्वरूप के अलावा एक गायक या गायिका या एक कलाकार के तौर पर तो उन्हें रोज ही मिलते हैं, कदम कदम पर मिलते हैं, सो शी इज पार्ट ऑफ अस। तीस हजार गानों में से चुनना मुश्किल है, क्या गाए आपने? ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं, बाहों के साए मुझे घेर लेते हैं, बाहों के साए। इस मरा के पूरे ग्रुप के साथ यहाँ लता जी को याद कर रहे हैं। याद क्या कर रहे हैं, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। लता जी तो हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं, उनके गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और मुझे हमेशा ये लगता है कि हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमने इस युग में जन्म लिया जहाँ लता जी को हमने देखा, साक्षात उन्हें देखा, सुना, उनसे बात की। तो आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उनके गीत कुछ हद तक निभा पाऊँ स्टेज पर, ये कोशिश मेरी लगी रहती है, और आज भी मैं यहाँ आई हूँ कुछ गीत पेश करूँगी। मैम टू लाइन से गाना, कौन सा गाना गाए लता जी के तो इतने सारे गाने हैं कि कौन से गाने से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम लाइक बहुत से गाने हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती है
ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसे कई गीत पिताजी गा चुकी हैं और हम उन्हें याद करके हंसते हैं, रोते हैं, गुनगुनाते हैं। दिस स्पेशली दिस सॉन्ग लताजी का खुद बहुत उनका पसंदीदा गाना था और मैं आज कोशिश करूंगी इसको सुनाने की भी। और वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू सिंग दिस। और आज वहां पर काफ़ी गुणी लोग ऑडियंस में बैठे होंगे जिन्होंने लताजी के साथ काम किया है, जिनको देखा है उन्होंने। सब बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि लताजी को हम फिर से याद कर रहे हैं। वो कहीं नहीं गई हैं, साक्षात सरस्वती माता का स्वरूप थी, रहेंगी और हम सबका जीवन हमेशा समृद्ध करती रहेंगी। सो शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम लताजी, वी लव यू, नमस्कार, थैंक यू सो मच। कैसे लग रहा है लताजी की सेकंड पुण्यतिथि में उपस्थित होना? लता जी तो मुझे लगता है ओमनी प्रेजेंट हैं और हर जगह हैं हमारे साथ, और मेरा तो कंपोजर बनने का श्रेय उनको ही जाता है क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे पहला गाना फिल्म पेज थी, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के लिए उन्होंने गाया था। और उन्होंने मुझे कहा था कि जो मैं दूसरे काम करता था उस वक्त, एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पे था, उन्होंने कहा कि अरे तुम यही करो, तुम इसमें बहुत अच्छा करते हो। तो उन्हीं की ब्लेसिंग है एंड मैं इतना, मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरी तस्वीर, उनकी जो बुक आई थी नसरीन मुन्नी कबीर जी ने लिखी थी, उसमें भी उन्होंने किया। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट लता जी का हाथ तब भी था और अभी वो जहाँ भी है उनका हाथ डेफिनेटली रहेगा। और मेरे पूरे करियर का जो एक धरोहर है, जो जो एक सेंट्रल फोकल पॉइंट है, वो लता जी पे है। एंड आई डोंट मिस हर बिकॉज हम तो रोज ही उनको सुन सुन के हमको पता है कि वो हमारे कितनी। नहीं, ये तो उनका विजन था, लता जी का एक विजन था और उनके उनका ये बहुत बड़ा, उन्होंने रिस्क टेकिंग किया अपने जमाने में जब लोग राइट्स के लिए बात नहीं करते थे। ये उनका बड़प्पन, उनकी बुजुर्गियत, और इसी को कहते हैं कि बड़े लोग होते हैं जो अपने से परे दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। लता जी को आवश्यकता नहीं थी रॉयल्टी की, लेकिन उन्होंने ऐसे किया कि आज आने वाली पीढ़ियों तक और सालों तक, दशकों तक पीपल आर गोइंग टू गेट रॉयल्टी फ्रॉम द क्रिएटिव फैकल्टीज। तो शी वाज अ पायनियर एंड इसलिए उनको बारंबार प्रणाम। सर, आगे समय में लता जी जो है ज्यादा खुश थी क्योंकि जो जिस तरह से म्यूजिक बन रही थी और जिस तरह से काम हो रहा है उसके खुश नहीं थी सर, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, वैसे तो बहुत पॉजिटिव थी, हर चीज को वो पॉजिटिव ही लेकर चलती थी, वो ज्यादा निंदा नहीं करती थी। पर हाँ, उन्हें दुख होता था जब कोई सुर में नहीं गाते थे या जब भी कोई मेलोडी कम होती थी गाने में, या फिर कभी ऐसा होता था कि लोग अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं गाने में इत्यादि। बट अदरवाइज वो उस जानती थी कि समय के साथ चलना बहुत आवश्यक है। परंतु उनका जो एक वो था कि एक मेन चीज होती है एक मेलोडी, एक रिदम, एक शब्दों की खूबसूरती, एक सुर में गायकी, ये सब चीजें बहुत पैरामाउंट थी उनके लिए। और जब कोई इससे परे होता था तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब हो जाती थी। अंदर से दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने